हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। तो आप आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ झटपट योजना के बारे में। आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। इस योजना में क्या होता है कि हम 10 से 15 दिन के अंदर अपने लाइट का कनेक्शन करवा लेते हैं। ये जो सुविधा योगी जी ने निकाली है, इस सुविधा में आपको ये चीज को सीखने को मिलेगा कि इस फॉर्म को हमें कैसे आवेदन करना है। आप घर बैठे इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अपने घर पे मीटर लगवा कर अपना कनेक्शन खुद से करवा सकते हैं बिना किसी सरदर्दी के, बिना किसी भागा दौड़ के। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीखते हैं आज का फॉर्म भरने का तरीका क्या है। उसके लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। वो चीज आपको क्लियर रहेगी तो आपको फॉर्म भरने में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ऐसे तो बहुत ही इजी चीज, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में कि आपको कैसे भरना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ आपको किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए कैंडिडेट का आधार कार्ड, फिर चाहिए कैंडिडेट का एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद चाहिए आपको कैंडिडेट का शपथ पत्र। जो शपथ पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप उनकी खेत की फर्द भी लगा सकते हैं, जिसको आप खसरा खतौनी नाम से भी जानते हैं। आपको इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों दस्तावेज नहीं है तो आप कैंडिडेट का राशन कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं, आप उससे भी ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तीनों चीजों में से कोई ना कोई चीज आपके पास होगी। आपके लिए हमारे पास चीजें क्या क्या हो गई है, नंबर एक पर हो गई है हमारे पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र, और चौथे नंबर पर हमारे पास होने वाला है बीएल फॉर्म। तो ये बीएल फॉर्म कहाँ से मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म भरते टाइम बताऊंगा। इस बीएल फॉर्म को भरना और इसको स्कैन करके अपलोड करना बहुत जरूरी है, और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म कम्प्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और मेरी एक चीज रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आप कोई भी चीज मिस हो और फिर आप कमेंट में लिखें कि वीडियो सही नहीं है और हमारा फॉर्म में आवेदन नहीं हो पाया। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है झटपट योजना की। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा क्लिक करके वन क्लिक में इधर आ जाओगे। तो दोस्तों ये आपके सामने काफी चीज आपको देखने मिल रही हैं, तो आपको सीधा सा क्लिक करना है। नए अगर आप कैंडिडेट हो यानी कि पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको नए कनेक्शन पे क्लिक करना है, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। तो इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में आप लेफ्ट साइड में बहुत सी चीजें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। दोस्तों इसमें आपको क्या है, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लगाएंगे वो नंबर एक्टिव होना चाहिए। उस नंबर पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, ओटीपी कह सकते हैं या आप उसको पासवर्ड भी कह सकते हैं। बाद में आप उसको चेंज करके अपना खुद से पासवर्ड बना सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास पहले नंबर पर दे रखा है एप्लीकेंट नेम यानी आवेदक का नाम, हम यहाँ एंटर करेंगे जो भी नाम उनका आधार कार्ड में है। उसके बाद कैंडिडेट की आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये चीज ध्यान रखें कि आप कोई भी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका कनेक्शन में कोई दिक्कत आए। तो बस डिटेल्स ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहती हैं ऐसे फॉर्मों को भरते हुए। इतना करने के बाद आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस मोबाइल नंबर पर इनको पासवर्ड रिसीव होगा वो टेक्स्ट मैसेज में, तो नया नंबर भी सही सही होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको इधर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करना है बिल्कुल, ये तो इजी है, तो आप करते ही आ रहे होंगे अगर आप ऐसे फॉर्म फिल करते हैं तो। उसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर या पंजीकृत करें। दोस्तों इतना करने के बाद आपको स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है, इसमें लिखा हुआ है नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए आपका पंजीकरण सफल हो गया है और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर आगे XXX और लास्ट के 4 डिजिट दिखा दिए हैं पर भेज दिया गया है। तो दोस्तों अब दूसरा स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से लॉगिन करके अपना फॉर्म को भरना है। स्टेप वन आपका कंप्लीट हो चुका है। इतना करने के बाद जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल पर मिला है आपको उधर दे रखा है एंटर योर लॉगिन आईडी, यहाँ एंटर करना है और पासवर्ड। तो मैं इधर करने लगा हूँ एंटर, लॉगिन आईडी एंटर कर दी है, पासवर्ड एंटर कर दिया है और अब कैप्चा एंटर करने लगा हूँ। इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, अभी लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आ गया नया विद्युत संयोजक आवेदन पत्र, आपको इधर क्लिक कर देना है और इधर आपको अप्लाई आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपके सामने ये परफॉर्मा आ जाएगा, आपको इधर नोट वगैरह दे रखे हैं आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ना चाहें तो
आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो शॉर्ट में ही आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कतें ना आए। इधर आपको मिल जाता है पर्पस ऑफ सप्लाई, यानी कि जो आप कनेक्शन ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है या किस योग किस लिए ले रहे हैं, ठीक है। इधर हमको मिल जाता है कि हम डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, कमर्शियल यानी कि अपनी दुकान वगैरह के लिए, इंडस्ट्रियल वगैरह आपको पता है, इंस्टीट्यूशनल वगैरह ये सब पता है आपको, ठीक है। टेम्परेरी ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ये सब चीज़ें। तो ये एक घरेलू कनेक्शन होने वाला है, तो हम करेंगे डोमेस्टिक पे क्लिक। इतना करने के बाद आपको सामने आ जाएगा सिंगल टू मल्टी पॉइंट कन्वर्जन, केवल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। तो इस ठीक है, इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है केवल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए है, तो हम इससे कोई लेन देन नहीं है, इसको नो रहने देंगे। साथ में हम करेंगे कैंडिडेट का फोटो अपलोड, जो भी कैंडिडेट का फोटो होगा पासपोर्ट साइज में अपलोड कर देना है। फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली पे करके इधर आपको फोटो का प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास बीपीएल का कार्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, और उसके बाद आपको अपना जिला चूज कर लेना है। आपने अपना जिला चूज कर लिया है, उसके बाद आपका डिवीजन यानी खंड, आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जब भी आप अपना इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बिजली घर जाना है, वहां से पता करना है कि आपका क्या डिवीजन लगता है, क्या आपका खंड लगता है, आपका लाइनमैन या फिर आपके जो जेई हैं या फिर जो भी आपके एसडीओ हैं वो आपको इस चीज़ की जानकारी इजिली दे देंगे। तो यहाँ से हम अपना डिवीजन चूज कर लेते हैं। डिवीजन चूज करने के बाद अगला कॉलम मिल जाता है पांच नंबर पे कि आप कितने किलोवाट का कनेक्शन कराना चाहते हैं। नीचे उन्होंने रखा है अधिकतम लोड 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट के लिए अनुमत है, ठीक। अब ये घर का कनेक्शन होने वाला है और इनका लोड लगभग 1 किलोवाट का है, तो हम इधर 1 एंटर करेंगे और बाहर क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। अब ये कैंडिडेट से पूछ रहा है इनकी वैवाहिक स्थिति, अगर ये मैरिड है तो इनको मैरिड कर दीजिए। उसके बाद कैंडिडेट के पिताजी का नाम यहाँ हम एंटर करेंगे। कैंडिडेट के पिताजी का नाम एंटर करने के बाद इनकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। अगर अगर इनके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ही डलवाना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो उसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन व्यवसाय, ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम डाल देते हैं। इतना करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता, तो यहाँ पे आप कैंडिडेट का एड्रेस फिल करना है जो भी एड्रेस आपका हो, ठीक है। लैंडमार्क दे देना है जो भी आपका लैंडमार्क हो, और उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, और फिर आप अपना पिन कोड, एड्रेस तो आप अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे जो भी आपका है। अभी ये पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम ही है, तो उसके लिए इधर टिक पे क्लिक कर देंगे अगर सेम है तो, अगर अलग है तो आप टाइप करेंगे। इतना करने के बाद नीचे आ जाना है। अब ये पूछ रहा है आपका हाउस नंबर क्या है, अगर आपका कोई हाउस नंबर है तो एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे अपने मोहल्ले या गांव का नाम भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको चूज कर लेना है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण, ये ग्रामीण कनेक्शन है तो रूरल पे क्लिक करेंगे, और अपना उसके बाद फिर से नीचे आके आप अपना जिला चूज कर लेंगे। जिला चूज करने के बाद मिल जाता है अगला कॉलम तहसील चूज करने का, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तहसील चूज कर लेंगे। तहसील चूज करने के बाद आपका गांव की लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ से अपना गांव चुन लीजिए जो भी आपका गांव हो, और अपना पिन कोड फिर से एंटर करके नीचे आ जाइए। अभी आपको 16 कॉलम पे मिल जाएगा कि जो आपका प्लाट है यानी कि जो भी आपका घर का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आप जितना भी आपका क्षेत्रफल हो उतना आप यहाँ एंटर कर देंगे। वर्ग फुट में आपको ब्रैकेट में दे रखा है। इतना करने के बाद जो भी आपका बिजली घर सबसे करीबी हो, सब स्टेशन दे रखा है, निकटतम उपकेंद्र का नाम, तो आपको वहां एंटर कर देंगे, ठीक है। अगला 17 नंबर पर दे रखा है सुरक्षा जमा ब्याज पर टीडीएस का लाभ उठाने के लिए कृपया अपना पैन नंबर दर्ज करें, तो आप यहाँ छोड़ दीजिए, इस कॉलम को हमें कोई जरूरत नहीं है। अब अगला कॉलम आपको मिल जाता है, यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, स्थल के वैध उपयोग के प्रमाण हेतु दस्तावेज जहाँ संयोजन अपेक्षित है, यदि आवेदक परिसर स्वामी नहीं है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ किराएदारी अनुबंध या क्षतिपूर्ति बंद पत्र संलग्न, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके दुकानदार हैं वो कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो जो ओनर हैं उनके बीच
जो एक एग्रीमेंट होता है उसका शपथ पत्र बनता है वो आपको इधर अपलोड करना होता है। तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जैसे घरेलू है तो आप हाउस अलॉटमेंट लेटर भी लगा सकते हैं, हाउस रजिस्ट्री भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाउस अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड कर देंगे। मैक्सिमम साइज हम 5 KB तक अपलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल का। उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपको आधार कार्ड पर क्लिक करना है, कैंडिडेट का आधार नंबर एंटर करना है, आधार नंबर चेक कर लेना है एंटर करने के बाद, और सामने आधार कार्ड को इनके अपलोड कर देना है। अभी आपको मैंने बताया था कि BL फॉर्म की बहुत जरूरत पड़ती है, तो BL फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने BL फॉर्म खुल के आ गया। आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और आपको इसको पूरा भरने के बाद यहाँ कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, कैंडिडेट के हस्ताक्षर और डेट डलने के बाद आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ये फिल कर रखा है, तो अब मैं इसको अपलोड करने लगा हूँ। मैंने इसको अपलोड कर दिया, अब ये सामने आ जाते हैं हमारे पास कि हमारे पास कितना लोड है। तो जो आपने BL फॉर्म में भरा है आपको सिर्फ वही चीजें यहाँ चूज करनी है, आपके पास कितनी लाइट्स हैं, कितने फैन हैं, वो सब चीजें आपको चूज कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे आपको फैन चूज कर लिया, 60 वाट का एक फैन होता है, और कितने फैन हैं वो आगे चूज कर लेने हैं, 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, जितने भी उनके क्वांटिटी है। उसके बाद एड आइटम पे क्लिक कर देना है, इतना करने के बाद आपको फिर से चूज कर लेना है CFL लैम्प, अगर आपके यहाँ CFL है तो। उसके बाद जैसे कि ये 8 वाट की हैं तो आपको इधर चूज कर लेना है कि कितनी है आपके, और एड आइटम पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको इधर आपका टोटल वाट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री पे और नीचे आ जाना है आपको सबसे, और क्लिक करना है सबमिट पे। इतना करने के बाद आपको इस पेज का प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ती है, पड़ सकती है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक। उसके बाद आप अपने यहाँ पे GST नंबर डाल सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। और आपको इधर यहाँ पे डेट चूज करनी है कि जब आपकी वेरिफिकेशन के लिए लाइनमैन वगैरह आए तो आप उन्हें किस किस डेट में उपस्थित मिलोगे वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो आप यहाँ से अपनी डेट चूज कर लीजिए, सबसे पहले डेट है 16, 17 और 19, ये 3 डेट चूज कर लिए हैं। तो उसके बाद नीचे आना है, क्लिक हियर टू एग्री क्लिक करना है, फिर सीट टूटते पे क्लिक करेंगे। आपको इधर स्टेप देखने को मिल रहे हैं, आपके सामने ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ₹59 की फीस जमा करनी है, कि आप अपने आपको हर एक मेथड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, QR। तो मैं QR से पेमेंट करने लगा हूँ, आप अपने मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको ठीक लगता हो। मैं इधर QR से पेमेंट कर देता हूँ, तो आपको भी जो मेथड सबसे इजी लगता है वो उस मेथड से पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 दिन बाद जो भी डेट आपको मिली है उस डेट पे लाइनमैन वेरिफिकेशन के लिए आ जाएंगे। देखिए आपका ये कंप्लीट हो चुका है, इन्होंने इधर दे दिया है कि आपको वेट करना है जब तक कि क्लियर ना हो जाए, लाइनमैन क्लियर ना कर जाए। तो दोस्तों होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको बिजली के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और आसानी से क्लियर हुई हैं। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर, सॉरी सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज अपने चैनल पर आती रहती है।